है चिकन रोल, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो आप लोग कभी भी घर में ट्राई कर सकते हो। और चीज़ बहुत ही कम लगता है इसमें, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स है बहुत ही थोड़ा बहुत चीज़ है जो कि हम लोगों के हर एक के घर में रहता है। तो चलिए बहुत बातें हो गई, अभी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग जाएंगे अभी किचन में, जहाँ पे मैंने सब इंतज़ाम करके रखा है। और गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देख रहे हो, तो अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, मेरा जो आगे आने वाला जो वीडियो है आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए गाइस, बहुत बकबक हो गया, वीडियो को अंत तक देखिए, आई होप यू गाइस लाइक इट, और इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे मैंने करीबन 200 ग्राम चिकन लिया है जो कि एकदम बोनलेस है। तो अभी इसमें ही सब कुछ मैं दे दूंगी, मतलब इस मिक्सर ग्राइंडर में, और एक साथ मिक्स कर लूंगी। चलिए, तो पहले मैं यहाँ पे दे रही हूँ टोमेटो सॉस, उसके बाद सोया सॉस, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा अदरक, और लहसुन मैं अलग से काट के दूंगी। तो चलिए अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन को हाफ ब्लेंड किया है, क्योंकि इसके अंदर मैं अभी 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी, और उसके बाद जो है पूरा ब्लेंड कंप्लीट करूँगी। ऑयल देके मिक्सचर करने से एक साथ दो बेनिफिट होता है, एक तो है चिकन मैरिनेशन बहुत अच्छा होता है, और उसमें जो पानी का कमी है वो फुलफिल कर देता है और बहुत ही स्मूथ तैयार हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा चिकन जो है तैयार हो चुका है, अभी मैं इसे आधा घंटे के लिए रख दूँगी, और उसके साथ ही बाकी जो काम है वो करने स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पे मैं गार्लिक अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, इसको आधा घंटे मैरिनेशन करने के लिए रख दे रही हूँ, उसके बाद 7 से 8 जो गार्लिक है मैं कट करके दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बंधा गोभी लिया है, तो ये जो है अभी मैं कट कर लेती हूँ पहले। तो इससे ये जो एक एक पत्ता है, ये एक एक पत्ता से ही जो है तैयार होगा हम लोगों का रोल। तो एक एक करके धीरे धीरे करके मैं खोल लेना है। तो आप पूरा एक साथ जो है कढ़ाई में देके बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पत्ते जो है तो ऐसे बीच का जो है मैं थोड़ा लूज कर लेती हूँ, तो पत्ता जो है अच्छे से होगा। तो आप पूरा एक साथ बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग पत्ता जो है निकलने के बाद ही एक एक पत्ता करके बॉईल करूँगी, क्योंकि ये आप लोगों को बॉईल करना है। बंधा गोभी जो है वो मैंने ये जो ऐसे खोल लिया है, तो बीच में से मैंने ऐसे कट कर लिया है। तो ये जो है मैं अभी छोटा छोटा पीस में काटूंगी, जो कि चिकन मैरिनेशन जब होगा तो उसमें थोड़ा बहुत दे सकते हैं हम, और बाकी जो है मैं रख दूंगी, तो उससे जो है मैं मोमो या फिर कोई और दूसरा कुछ डिश मैं बना पाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने एक बर्तन में पानी भर लिया है, अभी इसको मतलब पानी को गर्म करूंगी और उसमें वो जो बंधा गोभी है उसको थोड़ा थोड़ा बॉईल करूंगी। तो उसके बाद मुझे जो है मैरिनेशन, जो चिकन मैरिनेशन मैंने बना के रखा है उसको मैं डालूं। तो गाइस, मेरा जो बांधा गोभी है वो बॉईल हो चुका है, और यहाँ पे मैंने 6-7 लहसुन जो है वो मैं अच्छे से चॉप कर चुकी हूँ, और यहाँ पे जो मोटा वाला साइड था बांधा गोभी का उसको मैंने ऐसे बारीक कट करके रखा है। और जो मैंने ये चिकन मैंने मैरिनेशन करके रख दिया था आधा घंटे के लिए, तो अभी इसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल ये मैं ऐड करूँगी, 1 चम्मच ऑयल, और नमक बाद में ही देना चाहिए क्योंकि पहले देते हैं, देंगे तो वो पानी छोड़ेगा। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, अभी इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। मुझे लगता है हाथ से ही करना बेटर रहेगा।
लेसन जो है और बंदा गोभी थोड़ा सा ही ले, एक प्याज जो है वो मैं दे दे रही हूँ। बस तो अभी ये इसे जो है कट कर लेंगे। इसे क्या होगा अच्छे से फोल्ड हो, तो चलिए अभी इसे फोल्ड करते हैं। चिकन को ऐसे रखेंगे, और बाकी सारे को भी हम कर लेंगे। चलिए तो गाइस मैं फिर से दिखा दे रही हूँ, वो देख लीजिए ये रहा पत्ता, ये मैंने रख दिया एकदम सामने से दिखा, पहले इसे ऐसे फिर इसे ऐसे फिर इसको ऐसे टाइट करके फिर ऐसे फोल्ड करते जाना, ऐसे 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 एकदम टाइट फोल्ड, टाइट फोल्ड हो गया। चलो रेडी, मेरा ये जो कैबेज चिकन रोल अभी बॉयल हो चुका है, तो चलिए देखते हैं। तो अभी इसे निकल के यहाँ पे फ्राई करूँ। तो गाइस मेरा कैबेज चिकन रोल तैयार हो चुका है और ये रहा, तो मैं अभी आप लोगों को टेस्ट करके जरूर बताऊंगी कैसा हुआ है। गाइस बहुत अच्छा हुआ है और एकदम नरम है, देख सकते हैं एकदम अंदर तक बॉयल हो चुका है। मुझे ये बॉयल करने में करीबन 20 से 25 मिनट लगा है। ये वाला जो डिश है जरूर ट्राई कीजिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आज का वीडियो अगर आप लोगों को किस भी कारण से अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए गाइस आज के वीडियो से विदा लेते हैं, टिल देन गुड नाइट गुड बाय।